हिमाचल में नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी उमड़े। बाढ़ के बाद पर्यटकों के हिमाचल की ओर रुख करने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल में नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी उमड़े। बाढ़ के बाद पर्यटकों के हिमाचल की ओर रुख करने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुशी जताई। सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि शिमला विंटर कार्निवल शुरू हो गया है जो 4 जनवरी तक चलेगा। 2 जनवरी से मनाली विंटर कार्निवल भी शुरू होगा। बाढ़ के बाद पर्यटक एक बार फिर से हिमाचल की ओर रुख करने लगे हैं। आपको बता दें कि इस बार नए साल के जश्न मनाने के लिए हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक नए साल का जश्न मनाने पहुंचे। पर्यटकों ने 31 दिसंबर देर रात तक जश्न मनाया। शिमला, मनाली, चायल, कसौली, धर्मशाला और डलहौजी के होटल सैलानियों से भरे दिखाई दिए। पर्यटकों ने होटलों में एडवांस बुकिंग कर रखी थी। देखिए, हमारी सरकार को एक वर्ष बने हुए अभी हुए हैं और एक साल में जितनी भी पिछली परियोजनाएं थी जो पिछली सरकार द्वारा पैसे के हवा में छोड़ दी गई थी, पहले हमने उसको प्राथमिकता दी कि उनको पूर्ण किया जाए। और इस दृष्टिकोण से जो भी यहाँ इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है उसको हमने आज उसका उद्घाटन किया है। पीछे 2 सड़कें नाबार्ड के तहत हमने उसका शिलान्यास किया है और आने वाले समय में आगे भी उसका शिलान्यास कर रहे हैं। हमारा मानना है कि विकास जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, तो इस दृष्टि से जहाँ भी हमें लगता है कि कुछ पैसे के अभाव में पूरी बिल्डिंग खड़ी है उसको हमने कंप्लीट करने के लिए प्राथमिकता दी है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को होने वाला है। हालांकि इससे पहले समारोह पर विपक्षी नेताओं द्वारा विवादित बयानबाजी लगातार जारी है। कल कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा राम मंदिर और प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए टिप्पणी पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने पलटवार किया है। आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने मीडिया को दिए गए अपने बयान में कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो सबका साथ सबका विकास है। कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है लेकिन उन्हें कोई सत्ता नहीं मिलने वाली है क्योंकि जनता सत्ता देती है और इन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री की आलोचना करने में लगे हैं, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। ये तय है कि 2024 में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के नेता है उदित राज, इन्होंने ट्वीट किया है, राम जन्मभूमि 500 वर्षों के संघर्ष को लेकर कह रहे हैं कि मनुवाद की वापसी हो रही है, क्या कहना है? देखिए, मनुवाद उन लोगों के लिए परेशान करने वाला है जो कोई सिद्धांत नहीं जानते, सिद्धांत पर नहीं चलते। वस्तुतः जो मनुस्मृति है वो इस प्रकार से कि सारे वर्णों का क्या व्यवस्था होती है और किस प्रकार से उनका जीवन यापन करना चाहिए, और वो एक प्रकार से जैसे कानून है उस कानून के दृष्टिकोण से देख करके वो लोग घबराते हैं और ये कहते हैं कि जैसे ये है चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, चारों वर्णों की जो सृष्टि हुई है और वो है उसी आधार पर वो समन्वय बनी है और ब्राह्मण से मुख मासी बाहू राजन्या कृत्या शूद्रो अजायत है, ये शासकीय वर्ण है। तो इस प्रकार से मनुष्य ने ही कहा कि सूत्र ये चार वर्ण है और चार ही वर्ण थे और चारों वर्ण के उसने कार्य का विभाजन किया था। जो गीत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रचारक एवं पूर्व संगठन मंत्री हृदयनाथ सिंह का आज निधन हो गया है। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी कार्यालय में रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और सुरेश खन्ना समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक एवं भाजपा के पूर्व क्षेत्रीय संगठन मंत्री हृदयनाथ सिंह के निधन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शोक जताया है। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को बीजेपी कार्यालय लाया गया जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री महेंद्र सिंह बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं।
हिट एंड रन के मामलों में केंद्र सरकार ने कड़े नियमों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर है। नए नियम में 10 साल कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सरकार के इस नए नियम से ट्रक ड्राइवर गुस्से में है। मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बाद भोपाल के कई पेट्रोल पंप पर लोग परेशान रहे। कई जगहों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गए हैं। भोपाल में ट्रक ड्राइवरों चक्का जाम किया और टैक्सी बस ट्रैक्टर को भी रोक दिया है, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब तक कानून के मुताबिक हिट एंड रन केस में 2 साल की सजा का प्रावधान था और बेल मिल जाती थी। इधर इंदौर और मुरैना समेत प्रदेश के कई जगहों पर ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया। हमारी सिर्फ सरकार से जो है नाराजगी कह लो या इसे कह लीजिए कि आपस में, जब हम भी भारत के नागरिक हैं, कि हमारे से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछे बगैर ये निर्णय ले लिया गया। उनसे किसी से कोई इसके ऊपर वार्ता नहीं हुई, किसी से यह नहीं पूछा गया कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा या इसमें क्या होना चाहिए। बस हमारा मेन ये है, अगर पहले इसमें वार्ता हो जाती या मीटिंगें हो जाती, जैसे जो हमारी शीर्ष संस्था है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, उसके सदस्यों से जो कि इसमें पूरी तरह परिपक्व हैं, पूरी तरह जानते हैं कि कानून क्या है कैसा है, अगर उनसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज तमिलनाडु पहुंचे, जहां राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और राज्यपाल आरएन रवि ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुचिरापल्ली में भारतीदासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह में लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि इस समारोह में शामिल होना उनके लिए खुशी की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीदासन यूनिवर्सिटी का 38वां दीक्षांत समारोह उनके लिए बेहद खास है। वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस दीक्षांत समारोह में भाग लिया और उन्होंने कहा ये मेरा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह में मौजूद लोगों से कहा कि 2024 में सार्वजनिक तौर पर लोगों से उनकी ये पहली बातचीत है, ऐसे में वो तमिलनाडु में आकर बेहद खुश है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इस खास मौके पर सभी अभिभावकों शिक्षकों और छात्रों को बधाई दिया। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए कांग्रेस ने सीट शेयर का फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसकी रिपोर्ट कल 3 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कांग्रेस 9 राज्यों में गठबंधन करने जा रही है। इसके साथ ही पंजाब में गठबंधन की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। मामले पर कांग्रेस प्रदेश इकाइयों से चर्चा कर चुकी है और रिपोर्ट लगभग बनकर तैयार की गई है, जो कि कल सौंप दी जाएगी। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों से बात करेगा। जिन राज्यों में कांग्रेस अपने सहयोगी दलों से गठबंधन कर सकती है वो कुछ इस तरह है: जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु। एक तरफ जहां कांग्रेस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, तो वहीं पंजाब में इसकी संभावना कम नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी की मुखिया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तमाम दावों के बावजूद अंदरूनी कलह सबके सामने आ गई। दरअसल सोमवार को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पुराने नेताओं और नए नेताओं के बीच चल रहा तनाव तब खुलकर सामने आया जब आमतौर पर अड़ियल रुख अपनाने वाले राज्य अध्यक्ष सुब्रत बख्शी पर अभिषेक बनर्जी पक्ष ने हमला बोल दिया। कुछ नेता TMC प्रमुख ममता बनर्जी के पक्ष में थे तो दूसरी तरफ कुछ उनके भतीजे और TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी के पक्ष में बोलते दिखे। सोमवार शाम को अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की तो इसे उसी घटना से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि TMC सूत्रों का कहना है कि नए साल पर अभिषेक की ये ममता के आवास पर शिष्टाचार मुलाकात थी।
नए साल के दूसरे दिन ही सोने का भाव बढ़ गया। सोने और चांदी दोनों की कीमतों में आज काफी तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सराफा बाजार में लगातार दूसरे दिन सोना चांदी में उछाल देखा गया। आज सोने की कीमत 63,000 के पार हो गई है, वहीं चांदी 74,000 रुपए प्रति किलो से अधिक में बिक रहे हैं। आज जारी रेटों के अनुसार 24 कैरेट वाली 10 ग्राम सोने का भाव 63,000। News 8। नए साल के दूसरे दिन सोने का भाव बढ़ गया। सोने और चांदी दोनों की कीमतों में आज काफी तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सराफा बाजार में लगातार दूसरे दिन सोना चांदी में उछाल देखा गया। आज सोने की कीमत 63,000 के पार हो गई, वहीं चांदी 74,000 रुपए प्रति किलो से अधिक में बिक रही है। आज जारी रेटों के अनुसार 24 कैरेट वाली 10 ग्राम सोने का भाव 63,544 रुपए है। सोमवार शाम को ये भाव 63,352 रुपए प्रति 10 ग्राम था, यानी आज करीब 192 रुपए की बढ़ोतरी सोने के दाम में हुई है। गत 28 दिसंबर को रेट 63,452 रुपए था, वही आज चांदी की कीमत 74,142 रुपए है। सोमवार को यह भाव 73,705 रुपए था, ऐसे में चांदी आज 473 रुपए महंगी हो गई। 30 दिसंबर को रेट 76,934 रुपए था। दुनिया जब नए साल का जश्न मना रही थी, उस दौरान जापान के लोग परेशानी से जूझ रहे थे। सोमवार को 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से जापान की धरती बुरी तरह से कांप गई। इस घटना में करीब 48 लोगों की मौत हो गई और 155 लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये जानकारी NHK वर्ल्ड ने दी। एक दिन में 155 भूकंप के झटके जापान में महसूस किए गए। बता दें कि मध्य जापानी शहर वाजिमा में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद आग लग गई। इस घटना में 100 से ज्यादा दुकानें और घर जलकर राख हो गए। ये जानकारी NHK वर्ल्ड की तरफ से दी गई। हेमंत सोरेन ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई है। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के सभागार में ये मीटिंग होगी। माना जा रहा है कि बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप सकते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन द्वारा पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाने के बाद से सियासी गलियारों में सीएम की पत्नी को नया सीएम बनाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। दरअसल सीएम सोरेन पर भूमि घोटाला मामले में ईडी शिकंजा और ज्यादा कसने के संकेत मिले हैं। यही वजह है कि उन्होंने विधायक दल की बैठक एक दिन बाद यानी कल बुलाई है। इस बीच गिरिडीह के गांडिया से JMM विधायक सरफराज अहमद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।